हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप भी अपने वोडाफोन के स्लो इंटरनेट से परेशान हैं और आप उसका जो APN सेटिंग है उसको चेंज कर करके आप थक गए हैं, फिर भी आपका इंटरनेट का स्पीड ठीक नहीं हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं, मैंने भी बहुत बार अपने वी का जो APN सेटिंग है उसको चेंज करके कोशिश किया नेट स्पीड ठीक करने का, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने जो इसका डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग था, मैंने वो यहाँ पे रख दिया जो पहले से आता है। और दोस्तों, अब मैं आपको अपना जो नेट का स्पीड है वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये मेरा स्पीड अभी क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो स्पीड है, ये मेरा कोई भी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये और स्पीड कितनी बढ़िया आ रही है। तो आप इस वीडियो के पूरा एंड तक बने रहें। मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही खतरनाक सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आपका भी जो वोडाफोन का जो इंटरनेट का स्पीड है वो एकदम तेज हो जाएगा। अभी आप ये देख सकते हैं मेरा जो स्पीड आ रहा है वो 15 Mbps का आ रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। और साथ ही इस बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी APN में सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने APN की सेटिंग में कुछ भी चेंज किया है तो आप उसको रिवर्ट कर दीजिए, मतलब जो डिफ़ॉल्ट में APN था पहले तो आप वो सेट कर लीजिए। अगर आपको वो सेटिंग देखना है तो ये देख लीजिए, मेरा जो डिफ़ॉल्ट का APN है वो ये सब कुछ है, आप ये देख के उसको सेट कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अब करना क्या है। आपको तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको वी का जो ये ऐप होता है ये आपको डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर सिंपली आप प्ले स्टोर में सर्च करके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर और OTP देके यहां पे लॉगिन कर लेना होगा। और यहां पे लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहां पे आपका सब कुछ जो डिटेल्स है, डेटा पैक कब तक वैलिड है, ये सब कुछ आपको दिखा देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो मेन्यू का ऑप्शन मिल रहा है ये मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। और मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट। आप इस हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका ट्रबल शूट वाला ऑप्शन मिल रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू इंटरनेट ऑन मोबाइल, या फिर द इंटरनेट स्पीड ऑन माई मोबाइल इज़ वेरी स्लो। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद आपका जो ये सिम है ये थोड़ा बहुत इसमें सर्चिंग करेगा कि आपका क्या क्या सिम इसमें लगा है कि नहीं, मोबाइल डेटा ऑन है या फिर नहीं, नेटवर्क है या नहीं, पैक आपका है कि नहीं नेट का, और अभी कितना पैक बचा हुआ है और नेटवर्क कैसा है, ये सब कुछ आपका ये बता देगा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका नेट का स्पीड ठीक है तो यहाँ पे आप नो थैंक्स कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका नेट का स्पीड अभी भी स्लो है तो आप यहाँ पे रेज अ कंप्लेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक मैप खुल जाएगा और मैप में आपका जो लोकेशन है, करंट लोकेशन, वो आप यहाँ पे दे दीजिए, उसको कंफर्म लोकेशन कर दीजिए। कंफर्म लोकेशन करने के बाद आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा और एड्रेस के बाद आप यहाँ पे आपका जो भी नेटवर्क है वोल्टी या फिर 4G वो चूज़ कर लीजिए। और आप यहाँ पे बता दीजिए कि आपका नेटवर्क कितना है, जैसे कि मेरा अभी फुल नेटवर्क है तो मैं इसको फुल कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा फुल नेटवर्क है और ये पूछ रहा है कि आपका नेट का स्पीड घर के अंदर धीरे चलता है या फिर बाहर धीरे चलता है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर दीजिए, मैं यहाँ पे बोथ कर देता हूँ। और उसके बाद आपसे यहाँ पूछेगा कि आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं, तो यहाँ पे अपना जो आपका भी जो आपका फ्लोर होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा फर्स्ट फ्लोर है तो मैं यहाँ पे 023 पे क्लिक कर दे रहा हूँ और सेकंड वाले में भी सेम 023 पे क्लिक कर दूंगा मैं। और उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना होगा कि आपको कब ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये यहाँ पे आप आज का एक डेट दे दीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक अल्टरनेट नंबर देना पड़ेगा। अल्टरनेट नंबर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो कंप्लेन है वो रजिस्टर हो जाएगा और जो वोडाफोन यानी वी की टीम है वो आपका जो कंप्लेन है वो विद इन 48 आवर्स उसको चेक करेगी और आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है नेट यूज़ करने में उसको
पूरी तरीके से रिजॉल्व कर देगी और आपको एपीएन में कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो एपीएन में चेंज हम लोग करते हैं उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मेन जो होता है वो आपका जो नेटवर्क होता है मोबाइल का उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे नेटवर्क का स्ट्रेंथ कैसा है और वहाँ पे यूज़र्स कैसे हैं, तो उस हिसाब से आपका नेट का स्पीड डिफर करता है। तो अगर आप यहाँ पे कंप्लेन कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो है परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपको बार बार जो एपीएन आपको चेंज करना पड़ता है वो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने आपको जैसा कि पहले ही दिखा दिया है कि ये देखिए मेरा नेट का स्पीड ये 15 Mbps आ रहा है। इससे पहले मेरा जो स्पीड आता था वो kbps में आता था, 1 Mbps भी नहीं आता था, लेकिन इसके बाद मैंने 2-3 बार कंप्लेन किया और उसके बाद ये मेरा स्पीड 15 Mbps हो गया और अब मुझे नेट चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों ये 110% आपके लिए भी काम करेगा। दोस्तों ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये ट्रिक आपके लिए काम किया कि नहीं। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।